हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोडियम साइट्रेट से ESR कैसे लगाते हैं मैनुअल मेथड में। जब भी हम ESR का सैंपल लेते हैं तो हम ब्लैक टॉप जो होती है हमारी बैकेट है उसमें लेते हैं या फिर हम EDTM लगाते हैं। लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल ट्यूब यूज करते हैं ESR के लिए, जैसे ये वाली ट्यूबें होती हैं, ठीक है, इनको अगर हम यूज करते हैं तो ये डिस्पोजेबल ट्यूब होती है, इनको एक बार यूज करके हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर ये हमें यूज करनी है तो इनका जो राइट मेथड होता है वो तम सोडियम साइट्रेट ट्यूब में। अगर आप सोडियम साइट्रेट ट्यूब में इस्तेमाल नहीं करोगे सोडियम साइट्रेट इसमें, तो इसमें रिजल्ट जो होता है वो कभी कभी गलत आ जाता है इसमें रिजल्ट। और ये हमारे पास में सोडियम साइट्रेट, ठीक है, सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन 3.8% हमें मिलता है मार्केट में। तो इसको हम यूज करते हैं जब भी, तो हम अगर हम मैनुअली मेथड से यूज करेंगे तो इनको हम ऐसे यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये 400 माइक्रोलीटर इसके अंदर हमने डाल रखा है सोडियम साइट्रेट, और ये बार कोड है, इस पर हम चिपका देंगे। कोई भी अच्छे से हमारा बार कोड होता है, उस बार कोड नंबर इस ट्यूब पर हम लिख देते हैं। इसको लेने के लिए हम ये पिपिट होती है 1 ml की हमारे पास में, ठीक है। इस पिपिट से हम 400 माइक्रोलीटर लेंगे, ठीक है, 400 माइक्रोलीटर लेंगे, या आप 0.4 ml बोल सकते हैं इसको। तो 400 माइक्रोलीटर हम इसमें लेंगे सोडियम साइट्रेट, जो 3.8% का जो सोडियम साइट्रेट है इसको हम लेंगे ट्यूब के अंदर 400 माइक्रोलीटर या 0.4 ml, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ब्लड लेते हैं। EDTA ब्लड अगर हमने ले रखा है तो उस ब्लड को आप 1.6 ml मिक्स करेंगे। EDTA ब्लड हमारे पास में है, ये है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ब्लड है हमारे पास में। इसका जैसे हमें अगर ESR लगाना है तो हमने इसको मिक्स कर रखा है, इसमें से हम 1.6 ml हम इसमें ब्लड मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में हमारे पास में एक ऐसे ट्यूब तैयार हो जाएगी, ये है हमारे पास में ट्यूब ऐसे, ठीक है। जैसे हम इसको लगाएंगे तो ये हमारे पास में इस तरह का, इसको स्टैंड पे लगा देंगे हम इसको, ये हमने लगा रखा पहले से, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इस पे हमने जैसे बार कोडिंग लिख रखी है, लेबलिंग वगैरह कर रखी है, तो ये इसके बाद में हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, या एक घंटे के बाद में इसका रिजल्ट लेने के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जैसे आप इसमें मिक्स करते हैं ना सैंपल, तो मिक्स करने के बाद में आपको इसको रोटेटर पे जरूर डालना है सैंपल को मिक्स करने के लिए। कुछ टाइम के लिए सैंपल प्रॉपर मिक्स हो जाएगा आपका, उसके बाद आप इसको लगाएंगे ESR के लिए। और ये हमारे पास टाइमर होता है, 1 hour के लिए हम इसमें टाइम लगा देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है ये है कि अगर आप इसमें लगाते हैं तो एक तो आपको जो इसकी वॉल्यूम है प्रॉपर लेनी है साइट्रेट की और EDTA की, दूसरा 1 hour का टाइम देना। इसमें जो फाल्स रिजल्ट आते हैं वो आने देते हैं जब किसी पेशेंट का नॉर्मल रिजल्ट होते हैं, किसी किसी के हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, RBC नॉर्मल, उन पेशेंट्स में अक्सर फाल्स रिजल्ट दे देता है ये। फाल्स रिजल्ट कब देता है, अगर डायरेक्ट अगर आप ये EDTA के अंदर लगाते हैं ना इसको तो फाल्स रिजल्ट आएंगे, अगर आप साइट्रेट में लगाओगे तो वो रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा उसमें। तो हमें लगाना तो कायदे यही चाहिए कि सोडियम साइट्रेट ट्यूब में लगाना है हमें ये सर, बट हम ज़्यादा अगर आज फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर होते हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट EDTA को। लेकिन अगर आप मैनुअल लगाओगे इस वाले मेथड से तो आपको साइट्रेट मिक्स करके लगाना है, तो आपको रेशियो जो होता है आपका 1:4 का रेशियो होता है, ठीक है, 0.4 ml आपको सोडियम साइट्रेट लेना है और 1.6 ml आपको ब्लड लेना है। यहाँ पे आपका 1:4 का रेशियो हो जाएगा। और आप ESR की मैंने और भी वीडियो बना रखी हैं, उनको देखना चाहते हैं तो मेथड के साथ में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।